हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही तीखी, चटपटी सी कच्चे आम की एक नई रेसिपी। ये कच्चे आम की रेसिपी मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और घर में सभी को बहुत पसंद आती है। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्चे आम ले लिए हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आम ले लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर आमों का सिलेक्शन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आम थोड़े से खट्टे और थोड़े से मीठे होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब इसमें हम गुड़ या चीनी का यूज़ करेंगे तो वो हमारी थोड़ी कम मात्रा में इसमें पड़े, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी आमों को फटाफट से हम छील लेते हैं और छील के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे इन्हें। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आम को छील लिया है। इसी तरह सभी आमों को छील के मैंने तैयार कर लिया है। अब इनके हमें स्लाइस निकालने हैं। तो इसकी पहले दोनों साइड से आप स्लाइस निकाल लीजिए और फिर इन्हें पतले पतले पीसों में कट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह आप कर लीजिए। अगर इन आमों में बीच में गुठली निकलती है तो आप उसे अलग हटा दीजिए और अच्छे से इनकी पतली पतली अब हम स्लाइस कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आम मैं कट कर रही हूँ उनमें कच्ची गुठली है, तो उन गुठलियों को निकाल के हम अलग कर देंगे और इस तरह लंबाई में इनके पतले पतले पीस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पीसेस बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं करने हैं। एक स्लाइस में से आप लगभग 2 से 3 पतले पतले स्लाइस कर लीजिए, जिस तरह की मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी बीच में गुठली निकलेगी उसे हम रिमूव कर देंगे और इस तरह हम इन्हें बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी को अच्छे से मैंने कट कर लिया है और अब मैं आपको इन्हें पास से दिखाती हूँ। तो देखिए, एकदम फ्रेश पीस निकले हैं। इसी तरह आपको इन्हें कर लेना है। और दोस्तों, इसे मैंने छीलने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। अगर आपने नहीं किया हो तो आप अब इसे वॉश कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ मैंने गैस पर रख दी है एक कढ़ाई और उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है। और जैसे ही तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, उसी के साथ डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच राई के दाने और उसी के साथ हमें यहाँ डालना है बिल्कुल थोड़े से मेथी दाना, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बस थोड़े से डालेंगे। इन्हें डालने के बाद अच्छे से आप 1-2 मिनट के लिए इन्हें भून लीजिए और जब ये भुन जाए और थोड़ी सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। तो बेसिक मसालों में सबसे पहले डालेंगे हींग। हींग से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। इन सभी को डालने के बाद आप अच्छे से इन्हें मिक्स कर दीजिए और जो हमने आम काट के रखे हैं उन्हें आप इसमें डाल दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सभी आमों को मैंने इसमें डाल दिया है और अब मसाले के साथ इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही अच्छे से भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी थिक रखना चाहते हैं तो पानी की मात्रा कम रखें और थोड़ी सी आपको लूज़ रखनी है तो थोड़ा सा पानी ज़्यादा कर लीजिए। साथ ही यहाँ डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए और ढक्कन लगा के इसे 5 से 6 मिनट के लिए आप पका लीजिए। अच्छा उबाल आने तक आप इसे पका लीजिए। आम बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसे बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ ढक्कन लगा के हमने इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है और अब इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आम काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और पानी जो था वो थोड़ा सा कम हो गया है। लगभग 30 से 40% तक आम अच्छे से कुक हो गए हैं और अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें चीनी। तो आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी या गुड़ डाल दीजिए, जैसी भी आपको मीठी या खट्टी पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल दीजिए। और उसी के साथ हम यहाँ पे डालेंगे लगभग 1 चम्मच सौंफ का पाउडर और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच धनिए का पाउडर और उसी के साथ साथ हम यहाँ डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला।
इन सभी को डालने के बाद आप अच्छे से इसे इनके साथ मिक्स कर दीजिए। ऊपर से जब आप ये सब डालेंगे तो इससे इसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल नया तरीका है इसे बनाने का, एकदम डिफरेंट टेस्ट आता है, एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। तो फ्रेंड्स इस स्टेज पे आके आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, क्योंकि कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी लौंजी बनके तैयार है। तो चलिए इसे अब कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स एकदम नई रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है इस तरह लौंजी, एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। वैसे तो कच्चे आम की लौंजी सभी घरों में अलग अलग तरह से बनती है, पर आज मैंने इसे बहुत ही सरल तरह से आपको बताया है। आप इसे बना के रख लीजिए और 6 से 7 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ उसे ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।